हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। आज 27 अगस्त है और आज जो शेयर लेके आया था वो था पीसी जुलूस। बहुत दिन से सोच रहे होंगे कि किसी ने अपडेट नहीं दिया, भले ही ये फ्यूचर ऑप्शन से बाहर हो चुका है, लेकिन इसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं छोटी छोटी बाइंग हो रही है और ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपको एक्यूमलेट किया जा रहा है। कोई इसको एक्यूमलेट कर रहा है भाई। इसका जो 24 का 52 वीक का लो था वो आप मेंटेन रखें स्टॉप लॉस के रूप में, समझे 24 रुपीज, और उसके बाद वहाँ मेंटेन करें। आपको हो सकता है कि ये वापस एक बार 50 की ओर जाते हुए दिखे, और 50 क्रॉस करता है तो 80 की ओर जाते हुए भी दिख सकता है। ये चूंकि अब इक्विटी में है इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिखता है इसमें कि कोई ना कोई बाइंग सेंटिमेंट है, और सेंटिमेंट भी 80% दिख रहा है बाइंग का। वॉल्यूम वेटेड एवरेज भी देखेंगे तो अच्छा दिख रहा है। वॉल्यूम वेटेड एवरेज भी पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, जहाँ 33 पे क्लोज होना था वहाँ 34 पे क्लोज हो रहा है। दूसरा, 27 अगस्त को 34 रुपये 15 पैसे पे 2.85.9% से अप खुला है, क्लोज हुआ है। जहाँ लो था 31.50, क्लोज था 34.80 और हायर साइड में ही क्लोज हो रहा है। ये कहीं ना कहीं एक अच्छा सिग्नल है, तो आपको कहीं ना कहीं इसमें देखना चाहिए, पोजिशन बना के रखनी चाहिए। अगर इसके डिलीवरी बेस पे भी देखें, भी यहाँ पे जहाँ पे 45 लाख 46 लाख हो रहा था, वहाँ पे आप देखेंगे वापस अभी 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ के आसपास ट्रेडिंग वॉल्यूम होने लगी, और उसके सामने आप देखेंगे 18 22 22 25 लाख, कहीं ना कहीं 17%, जो 20 22 24% की डिलीवरी थी, अब 17%, लेकिन 22 लाख 22 लाख वॉल्यूम से इसको कहीं ना कहीं अब होल्डिंग में रखा जा रहा है, डिलीवरी पोजिशन में लिया जा रहा है। एक अच्छा चीज है, हो सकता है यहाँ से आपको एक अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। और ऐसे ही देखेंगे तो अगर वीकली बेसिस पे भी देखें, ये 36 दिख रहा है, एक अपसाइड लिया है। वीकली बेसिस पे स्टॉकिस आरएसआई भी अपसाइड में दिख रहा है आपको यहाँ पे, अब यहाँ पे अपसाइड में है स्टॉकिस आरएसआई। और अगर मंथली बेसिस पे भी देखने की कोशिश करें तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक इनडिसिसिव कैंडल बना है, इनडिसिसिव कैंडल बन रहा है। तो अब कहीं ना कहीं इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा फॉल आपको वॉल्यूम के साथ देखने को मिल सकता है, मिलेगा लेकिन बहुत ज़्यादा अब नहीं देखने को मिलेगा। तो आपको इसमें एक वॉचलिस्ट के रूप में इसको रखना चाहिए, और कहीं ना कहीं वॉल्यूम आप देखेंगे एवरेज 20 डेज से ऊपर की ओर हो रहा था, और ये जो लो बनाया था 24 रुपये का, उसके बाद से 10 रुपये का तक का गेन दे दिया। अगर इसको फॉल होना होगा तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको 35 36 से यहाँ पे वापस नीचे, अगर 36 को टच करके नीचे लेता है तो वापस आपको एक बार 24 ही और आता हुआ दिखेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है अब इसमें एक्यूमुलेशन अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो गोल्ड में आगे जाके तेजी होगा उसका फायदा आपको यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है, और ये वापस आपको 60 80 90 तक जाता हुआ भी आगे जाके देख सकते हैं। ये इसमें कोई स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है, ये कंपनी कोई बंद नहीं हुई है, जब तक बंद नहीं हुई है तब तक आज से, और हमें लगता है ये परफॉर्म करेगी आगे जा करके। और स्टॉप लॉस जो 24 रुपीज़ का है वो आप लगा लें, और ऊपर हो सकता है कि अपसाइड में यू ऑलरेडी इसका पैटर्न बन चुका है अपर टॉप का, तो एक बार वॉच रखें, और अगर ये 35 क्रॉस करता है तो इसमें पोजिशन बनाने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि फिर वापस आपको नियरेस्ट में अभी 45 की ओर जाता हुआ दिखे, और 45 से फिर क्रॉस करता है और ऊपर की ओर जाते हुए भी दिख सकता है। तो पहला टारगेट हो सकता है कि ये यहाँ पे 47 कर ले, और 47 का क्रॉस करता है तो फिर आपको 73 तक जा सकता है। तो पहले एक वॉचलिस्ट रखें, और इंडिसिसिव कैंडल मंथली बेसिस पे बना है, वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो 24 25 30 के आसपास जब आता है तो वहाँ पे आप एक्यूमुलेट करें इसको, एक बार 35 का चेक कर लेंगे, 35 क्रॉस करता है या नहीं करता, जो कि करना चाहिए। तो पीसी ज्वेलर्स में आप पॉजिटिवनेस दिख रहा है, कहीं ना कहीं इसमें एक बाइंग सेंटीमेंट दिख रहा है, और आप देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू 0.34 का है, इसका फेस वैल्यू 10 रुपये का है, 15 से 17% की डिलीवरी दिख रही है। तो किसी भी हालत में अगर 99 रुपीज़ का बुक वैल्यू है और उसके सामने आपको अगर 34 रुपीज़ में मिल रहा है, ठीक है, खराब तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट टर्म तो नहीं लेकिन आपको लॉन्ग टर्म व्यू से 160 3 साल 4 साल लगते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको 160 170 जाते हुए आपको दिख सकता है। तो पीसी ज्वेलर्स पे
अभी मुझे दिखता है कि अगर ये आपको 24-25 के रेंज में मिलता है, 30 के रेंज में मिलता है, इसे रख सकते हैं। ये आपको नियर टर्म में 47 वहाँ क्रॉस करता है तो 73 की ओर जाते हुए आपको दिख सकता है। मेरा मार्केट में कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है, व्यू है कि ये ऊपर जा सकता है। तो कोई भी अगर पोजीशन बनानी हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही बनाएंगे। और चूंकि अब ये डेरिवेटिव में नहीं है तो इसकी पोजीशन को एक्यूरेसी के साथ जज करना थोड़ा डिफिकल्ट काम भी है। बट यहाँ चूंकि पैटर्न एक अपवर्ड है, पॉजिटिवनेस दिख रहा है और अपने लोअर फ्यूचर बहुत आप देखेंगे पुराना जो इसका लो था वो ये इसी रेंज में था, 25-26 के रेंज में था, 36। तो ऑलरेडी यहीं से ये अपसाइड लिया था पहले भी, तो अब यहाँ से हो सकता है कि यहाँ से वापस ये ऊपर की ओर जर्नी चालू करे। थोड़ा टाइम ले सकता है, हो सकता है कि साल डेढ़ साल ले ले यहाँ पे। यहाँ पे 2003 से लेकर के जब आपको अपसाइड चालू किया था तो 2014 में किया था, तो टाइम तो लिया था। तो हो सकता है कि ये टाइम आपको यहाँ पे भी देखेंगे, जब ये फॉल चालू किया 486 से 2018 में और ये फॉल आया 2019, साल भर में फॉल किया है, तो एटलीस्ट 3 साल तो लेगा ये, 3 साल लेना चाहिए इसको अपसाइड जाने में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आपको बाय सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।